बर्तानिया। छोटे कस्बे और गांवों में रहने वाले हर बच्चे ने अपने दादा दादी या नाना नानी से ये शब्द जरूर सुना होगा। उम्र के जिस पड़ाव में इंसान का अपनी औलाद से भी भरोसा उठ जाता है, हमारे हिंदुस्तान में उस उम्र में लोग एक ब्रांड पर इतना भरोसा करते हैं कि उसके बिना दिन की शुरुआत तक नहीं करते। अगर बच्चा गलती से किसी ब्रांड की ब्रेड या बिस्किट घर ले आए तो उसे वापस भेजकर बर्तानिया वाली ब्रेड ही लाना कहा जाता है। एक खाने के ब्रांड पर यह टूट भरोसा किसी करिश्मे से कम नहीं है। हालांकि इस भरोसे को हासिल करने के लिए बर्तानिया यानी ब्रिटानिया को करीब 125 साल की लंबी तपस्या से गुजरना पड़ा। इस तपस्या का ही नतीजा है कि आज जो लोग ब्रिटानिया का नाम सही से नहीं ले पाते हैं, उनके दिमाग में भी ब्रिटानिया का स्वाद बसा हुआ है। इस अनोखे स्वाद से ही ब्रिटानिया की शुरुआत हुई थी, वो शुरुआत जो आगे चलकर एक ऐसा ऐतिहासिक सफर बना जिसकी मिसाल आज के हर नए कारोबारी को दी जाती है। ब्रिटानिया का शून्य से सब कुछ बनने का यह सफर ही नारा टीवी की खास श्रृंखला बिजी टॉक्स के आज के इस एपिसोड का आधार है। तो चलिए दोस्तों, ब्रिटानिया के सफर को करीब से जानने के लिए आपको 19वीं शताब्दी में लेकर चलते हैं। जब सिर्फ 295 रुपए और एक कमरे में जन्मा ब्रिटानिया। दोस्तों, आपको रईस फिल्म का वो डायलॉग तो याद ही होगा जिसमें शाहरुख खान कहते हैं, कोई धंधा छोटा नहीं होता। ब्रिटानिया इस डायलॉग की एक जिंदा मिसाल है, क्योंकि ब्रिटानिया की न्यू आज से कई दशक पहले 1892 में ब्रिटिश बिजनेसमैन ग्रुप ने सिर्फ 295 रुपए के निवेश के साथ डाली थी। शुरुआती दिनों में यह कंपनी सिर्फ बिस्किट ही बनाती थी और प्रोडक्शन सेंट्रल कोलकाता के एक छोटे घर में होता था। इतने छोटे पैमाने पर हुई शुरुआत देखकर इस ग्रुप के चलने के आसार कम थे, लेकिन बेहतरीन क्वालिटी और कम दामों की वजह से ये बिस्किट बाजार में बहुत तेजी से मशहूर हो गया। इधर इन बिस्किट्स की मशहूरी बढ़ रही थी, उधर बंगाल विभाजन के बाद आजादी की लड़ाई तेजी पकड़ रही थी। हालात देखते हुए ब्रिटिश बिजनेसमैन ग्रुप ने कंपनी को गुप्ता ब्रदर्स के हाथों में बेच दिया। अब ये कंपनी वीएस ब्रदर्स के नाम से मार्केट में बिस्किट सप्लाई करने लगी। कंपनी ने अगले कुछ सालों तक खूब तरक्की की, मगर कंपनी की सप्लाई अब भी कुछ शहरों तक ही सीमित थी। गुप्ता ब्रदर्स ने कंपनी की पहुंच बढ़ाने के लिए कामयाब अंग्रेज बिजनेसमैन सीएच होम्स को पार्टनर बनाया। होम्स ने अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए कंपनी का नाम वीएस ब्रदर्स से बदलकर ब्रिटानिया रख दिया, जिसका अर्थ है ब्रिटिश देशभक्ति। इस तरह 21 मार्च 1918 के रोज एक बिस्किट बनाने वाली गुमनाम कंपनी ब्रिटानिया बिस्किट्स कंपनी लिमिटेड बनकर विश्व के सामने आई। जब दूसरे विश्व युद्ध ने दिए ब्रिटानिया को पंख, ब्रिटानिया नाम मिलने और होम्स के पार्टनर बनने के बाद से कंपनी की औसत ग्रोथ हो रही थी, जिसे 1924 में रफ्तार तब मिली जब ब्रिटानिया ने अपनी एक फैक्ट्री मुंबई में भी खोली। इसके बाद हर गुजरते दिन के साथ कंपनी मशहूर होने लगी। अब ब्रिटानिया की पहुंच भारत के घर घर तक हो गई थी, मगर ब्रिटानिया को अब भी इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचने के लिए एक बड़े मौके की तलाश थी, और वो मौका आया दूसरे विश्व युद्ध के रूप में। दूसरा विश्व युद्ध जहां दुनिया के लिए गहरे जख्म जैसा है, वहीं ब्रिटानिया की कहानी में ये दूसरा विश्व युद्ध किसी हीरो से कम नहीं है। दरअसल हुआ ये कि विश्व युद्ध के दौरान बिस्किट्स की मांग बढ़ गई। ऐसे में सरकार ने सस्ते, स्वादिष्ट और पौष्टिक बिस्किट्स बनाने वाली भरोसेमंद कंपनी ब्रिटानिया को कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसका नतीजा ये रहा कि कंपनी ने इस दौरान प्रोडक्शन से जुड़े अभी तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। बाजार के जानकारों की माने तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुई ब्रिटानिया की तरक्की आज तक के फूड प्रोडक्शन फील्ड में हुई जादुई और सबसे तेज ग्रोथ थी। इसके बाद जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो ब्रिटानिया कंपनी की लोकप्रियता ने सरहदों के दायरे भी तोड़ना शुरू कर दिए। ब्रिटानिया अब इंटरनेशनल मार्केट में उतर चुका था, जबकि भारत में कंपटीशन कम होने की वजह से बिस्किट सेगमेंट का ज्यादातर मार्केट शेयर ब्रिटानिया के पास ही था। ये सफर आगे भी यूं ही चलता रहा और आज तक जारी है। मगर ब्रिटानिया की कहानी इतनी भी खुशगवार नहीं है जितनी ये दिखाई पड़ती है। करीब 130 साल के लंबे इतिहास में ब्रिटानिया को कई विवादों का सामना करना पड़ा, जिसमें सबसे बड़ा कलंक था ब्रिटानिया के मालिकाना हक की लड़ाई। दोस्तों, आजादी के करीब 32 साल बाद ब्रिटानिया का शानदार सफर देखते हुए हायर अथॉरिटीज ने कंपनी का नाम ब्रिटानिया बिस्किट कंपनी लिमिटेड से ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड कर दिया। इस दौरान कंपनी की बागडोर भारत के बिस्किट राजा कहे जाने वाले केरल के बिजनेसमैन राजन पिल्लई के पास थी। 1993 तक सब सामान्य चल रहा था कि तभी कहानी में एंट्री हुई वाडिया ग्रुप की।
वाडिया ने उसी साल नाटकीय अंदाज में ABIL में स्टॉक खरीदा और डानोन ग्रुप के साथ ब्रिटानिया में बराबर के हिस्सेदार बन गए। इसके बाद शुरू हुई पिल्लई और वाडिया के बीच में ब्रिटानिया को लेकर मालिकाना हक की वो लड़ाई, जिसके बारे में एक बार इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा था, ब्रिटानिया के मालिकाना हक का विवाद अभी तक का सबसे बड़ा कॉरपोरेट ड्रामा है। बोर्ड रूम में 2 साल तक चले विवाद के बाद पिल्लई ने ब्रिटानिया का कंट्रोल वाडिया और डानोन ग्रुप को दे दिया, जिसके बाद पिल्लई को फ्रॉड केस में जेल भेजा गया और उसी साल पिल्लई की तिहाड़ जेल में मौत हो गई। पिल्लई की मौत के बाद वाडिया ग्रुप ब्रिटानिया का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में चाहता था, जिसके लिए वाडिया ग्रुप को एक लंबा इंतजार करना पड़ा। करीब 10 साल चले विवाद के बाद डानोन ग्रुप ने ब्रिटानिया में अपने 25.48% शेयर वाडिया ग्रुप को बेच दिए और इस तरह साल 2007 में 50.98% शेयर के साथ ब्रिटानिया पर अब वाडिया ग्रुप का कंट्रोल था। इसके बाद ब्रिटानिया को कई मौकों पर अंदरूनी कलह से गुजरना पड़ा, मगर ब्रिटानिया ने हर परेशानी को पार कर वापसी की, जिसकी सबसे बड़ी वजह थी ब्रिटानिया के ग्राहक। चाहे कुछ भी हालात हों, ब्रिटानिया उपभोक्ता ने कभी कंपनी का साथ नहीं छोड़ा और भरोसा बनाए रखा। यही वो सवाल आता है जिसने ब्रिटानिया के विरोधियों की नींद उड़ा रखी है, सबकी पसंद ब्रिटानिया ही क्यों? दोस्तों, ब्रिटानिया की कामयाबी का सबसे बड़ा राज है उसका बिजनेस मॉडल। ब्रिटानिया का बिजनेस मॉडल इतना सिंपल है कि आप एक बार पढ़कर ही पूरा मॉडल समझ सकते हैं। ब्रिटानिया कंपनी सिर्फ 2 सेगमेंट में बटी हुई है। वर्तमान में ब्रिटानिया के 100% शेयर में से सिर्फ 5% शेयर डेयरी प्रोडक्ट्स रखते हैं, जबकि बचे हुए 95% बिस्किट सेगमेंट में लगे हुए हैं। आसान लफ्जों में कहें तो करीब 125 साल होने के बावजूद भी कंपनी ने बिस्किट्स की क्वालिटी के साथ समझौता नहीं किया और बिस्किट प्रोडक्शन को ही प्रायोरिटी दी। यही वजह है कि भारतीय ग्राहक ब्रिटानिया के हर नए प्रोडक्ट का स्वागत खुली बाहों से करते हैं। साथ ही ब्रिटानिया के पास समाज के हर तबके के लिए बिस्किट्स मिलेंगे। 5 रुपए वाले पैकेट से लेकर 400 रुपए तक का पैक ब्रिटानिया की ग्राहकों के प्रति जिम्मेदारी बताता है। सिर्फ दाम नहीं, वैरायटी के मुकाबले में भी ब्रिटानिया की कोई सानी नहीं है। अगर सिर्फ बिस्किट्स की बात करें तो फिलहाल मार्केट में ब्रिटानिया के 70 से अधिक तरह के प्रोडक्ट हैं, जबकि रस्क और कुकीज को जोड़ने के बाद ये संख्या और भी बढ़ जाती है। इसके अलावा ब्रिटानिया की कामयाबी के पीछे उनके वर्कर्स का बहुत बड़ा हाथ है। ब्रिटानिया जिसकी इज्जत बखूबी करना जानता है। ब्रिटानिया ने अपनी वेबसाइट पर लिखा भी है कि ब्रिटानिया का पहला लक्ष्य अपने मेंबर्स और ग्राहकों की आर्थिक हालत में सुधार करना है। इतनी सफलता के बावजूद आज भी ब्रिटानिया एडवर्टाइजमेंट को लेकर पूरी सावधानी रखता है और वैसे भी ब्रिटानिया की एडवर्टाइजमेंट स्ट्रेटजी हमेशा से अव्वल रही है। 21वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटानिया का लोगो मशहूर क्रिकेटर्स के बैट से लेकर गली मोहल्लों की दीवारों पर भी नजर आता था। ये ब्रिटानिया की ईमानदारी और मार्केट की समझ का ही नतीजा है कि वर्तमान में हर गुजरते दिन के साथ ब्रिटानिया की ताकत बढ़ती जा रही है। तो चलिए दोस्तों, अंत में जानते हैं आज के दिन ब्रिटानिया का बाजार में स्थान। ब्रिटानिया के बाजार में स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि आज के दिन ब्रिटानिया को भारत के टॉप 100 ट्रस्टेड ब्रांड्स में गिना जाता है। हालांकि ज्यादातर विशेषज्ञ साल 1998 से 2001 के बीच हुई ब्रिटानिया की करिश्माई ग्रोथ को इस भरोसे की नींव मानते हैं, क्योंकि उस दौरान मार्केट की हालत बहुत खराब थी। इसके बावजूद ब्रिटानिया के सेल्स में 16% का इजाफा हुआ, जबकि मुनाफा 18% था। हाल के दिनों में हुए आर्थिक सर्वे की माने तो ब्रिटानिया हर साल औसतन 27% ग्रो कर रहा है। फिलहाल ब्रिटानिया के लगभग 38% शेयर मार्केट में हैं। यही वजह है कि शेयर बाजार के जानकार ब्रिटानिया को फायदे का सौदा बताते हैं। सरल शब्दों में कहें तो ब्रिटानिया भारतीय बाजार की शान है। चंद रुपयों के साथ शुरू हुआ ब्रिटानिया आज 60 से भी ज्यादा देशों में प्रयोग किया जाता है। ब्रिटानिया की जमीनी शून्य से आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने की इस कहानी में इतना ही, मगर आपके लिए एक तोहफा और एक मौका अभी बाकी है। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलेंगे भारतीय मार्केट से जुड़ी अन्य रोचक दास्तान लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।